रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर, दोनों ही मेडिकल फील्ड के प्रोफेशन है बट स्टिल इनमें डिफरेंसेस है। सो आज के इस वीडियो में हम इनके करियर प्रोस्पेक्ट, सैलरी, क्वालिफिकेशन एंड वर्क प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेडिकल फील्ड से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं या आप मेडिकल या पैरामेडिकल में करियर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ऐसे और भी वीडियोज आएंगी एंड ऑलरेडी जो वीडियोज है उसका प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेडियोलॉजिस्ट के लिए आपको रेडियोलॉजी में स्टडी करना है एंड रेडियोग्राफर के लिए आपको रेडियोग्राफी में स्टडी करना है। रेडियोलॉजिस्ट यानी कि रेडियोलॉजी मेडिसिन का एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जबकि रेडियोग्राफर में रेडियोग्राफी एक टेक्नोलॉजी है जो मेडिसिन में यूज होता है। रेडियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होते हैं जो अपने नाम के आगे डॉक्टर एज अ प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, जबकि रेडियोग्राफर एक टेक्नीशियन होते हैं एंड ये अपने नाम के आगे प्रीफिक्स डॉक्टर नहीं यूज कर सकते हैं। सो ड्यूटीज की बात करते हैं तो रेडियोग्राफर जो है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये एक टेक्नीशियन है, तो ये इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करते हैं मेडिकल इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। ये हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट का इमेजेस या पिक्चर्स लेते हैं, जैसे आपका सिटी स्कैन हो गया, MRI, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं, ये इसके लिए जितने भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसको ऑपरेट करने का काम रेडियोग्राफर का होता है। बट अगर हम रेडियोलॉजिस्ट की बात करें तो जैसा कि ये एक डॉक्टर है, ये एक फिजिशियन है, तो ये बेसिकली हमारे रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं। जो भी इमेजेस रेडियोग्राफर के द्वारा लिया गया है उन इमेजेस को इंटरप्रेट करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं एंड एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करते हैं। एंड ऑल्सो ये पेशेंट को रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ ट्रीट करने में भी स्पेशलाइज्ड है। सो अब आपको ये क्लियर हो रहा है कि रेडियोग्राफर का क्या रोल है एंड रेडियोलॉजिस्ट का क्या रोल है। मेडिकल फील्ड में इन दोनों का वर्क प्रोफाइल डिफरेंट है, बट हाँ, अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको MBBS करना होता है। सारे 5 साल का MBBS कंप्लीट करने के बाद आप मास्टर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं रेडियोलॉजी में। इसमें आप MD कर सकते हैं या फिर DNB कर सकते हैं। 3 साल का रेडियोलॉजी में आप इन पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद आप एक रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, या फिर आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं DMRD, ये 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है। अब यहाँ पे नीट कंपल्सरी है, आप MBBS कर रहे हो या MD DNB कर रहे हो, दोनों के लिए ही नीट UG एंड PG कंपल्सरी है। बिना नीट के आप इन कोर्सेज को परस्यू नहीं कर सकते हैं। ओके, दूसरी तरफ अगर हम रेडियोग्राफर की बात करें तो इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री करना होता है मेडिकल रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफर में। अब यहाँ पे रेडियोलॉजी में भी आप BSc कर सकते हैं या फिर रेडियोग्राफी में भी आप BSc कर सकते हैं। सो रेडियोग्राफी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट होने के बाद आप चाहो तो MSc भी कर सकते हैं, मास्टर्स कोर्स भी आप परस्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करेंगे सैलरी की। रेडियोलॉजिस्ट के लिए मास्टर्स करने के बाद आप SR-ship के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, एंड वहाँ पे आपकी इनिशियल सैलरी होती है 80 to 1,20,000 अप्रॉक्स पर मंथ। एंड रेडियोलॉजिस्ट की जो इनिशियल लेवल की जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है। ये एक ऐसी ब्रांच है, यहाँ पे इनिशियली आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको अराउंड 1.5 lakh to 3 lakh तक आपको पर मंथ सैलरी मिल सकती है। सो स्टार्टिंग की सैलरी काफ़ी अच्छी है, बट फर्दर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सैलरी में इंक्रीमेंट उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनिशियल लेवल की सैलरी अच्छी है, बट फर्दर आप अगर इसके करियर के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हो तो वहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा सैलरी में। बट हाँ, अगर आपका खुद का रेडियोलॉजी सेंटर है तो वहाँ पे सैलरी की कोई लिमिट नहीं है। बट ये भी है कि एक रेडियोलॉजी सेंटर ओपन करने के लिए स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स होते हैं रेडियोलॉजी में वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो एक रेडियोलॉजी सेंटर भी आप अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हो। देन दूसरी तरफ अगर हम रेडियोग्राफर की बात करें तो जैसा कि ये एक टेक्नीशियन है, आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड या जैसे एक्सरे टेक्नीशियन हो गया तो उस फील्ड में आप स्किल्ड हो सकते हैं। इसके लिए आप ग्रेजुएशन करने के बाद इंटर्नशिप कर सकते हैं या फिर अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं, उससे आप नेसेसरी स्किल एक्वायर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं एंड देन आप
अप्लाई कर सकते हैं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बट यहाँ पे जो आपकी सैलरी होगी वो अराउंड 15 to 20,000 पर मंथ है। हाँ, सैलरी में इंक्रीमेंट होगा अगर आप मास्टर्स करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होता है और आप बड़े हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अप्लाई करते हैं, बट एक सैलरी जो है स्टार्टिंग की वो 15 to 20,000 ही है। यहाँ पे MBBS में कई सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, स्पेशलाइजेशन होते हैं मास्टर्स करने के लिए, बट अगर आप रेडियोलॉजी चूज करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप पेशेंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेडिसिन, सर्जरी या ऑर्थो में स्पेशलाइज हो सकते हैं। सो अब आपको क्लियर है कि रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर में क्या डिफरेंस है, इनके वर्क प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है। और कोई डाउट के लिए आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं एंड ऐसे और भी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।